गुड मॉर्निंग का पहले हमने पढ़ा है किसका यूज, अभी हम पढ़ेंगे एम का यूज। एम का मतलब होता है हू, जो मोस्टली यूज होता है आई के साथ। तो इसके लिए अपन पढ़ेंगे आई एम रीडिंग, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हू, रीडिंग माने रीड मीन्स होता है पढ़ना, दिस इज द मेन वर्ब, पढ़ना एक मेन वर्ब है। इसके साथ आई एन जी लगाया तो पढ़ रहा हूँ, ए बुक एक किताब, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। सो इसके लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब आपने क्या यूज करी, एम। आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, आई का मीन है मैं, ड्रिंक पीना, दिस इज अ वर्ब, आई एन जी लगाया तो पी रहा हूँ। सो मिल्क मीन्स दूध, एम का मीन है हूँ, मैं दूध पी रहा हूँ। I am talking to an old man. मैं, I means मैं, am means हूँ, talking means बात कर रहा हूँ। To, अब यहाँ पे देखेंगे old, old. This is the vowel. So vowel कौन-कौन से होते हैं? मैं आपको फिर से revise करवा देता हूँ। A-E-I-O-U. So this is a vowel. तो इसके लिए आगे A use ना करके क्या use किया गया? And use किया गया। So मैं एक बूढ़े व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। I am wearing a pretty dress. I miss मैं, am miss हूँ, wearing miss, wear miss होता है पहनना, wearing माने पहन रही हूँ। A pretty dress, एक सुंदर पोशाक, मैं एक सुंदर ड्रेस पहन रही हूँ। I am going to the market. मैं, I am going to the market. जब भी आप किसी स्थान की तरफ जा रहे होते हैं तो आप उसके साथ क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। सो इसका मीन हो गया आई एम गोइंग टू मार्केट। सो एम आई, एम इज ऑलवेज यूज्ड विद प्रोनाउन आई। सो एम का जो यूज है वो हमेशा आई के साथ ही होगा। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आर का यूज पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। नाउ वी आर यूजिंग ऑफ आर। अभी जो हम पढ़ रहे हैं अभी हेल्पिंग वर्ब के लिए पढ़ रहे हैं, तो आर इसमें जो पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आगे पढ़ेंगे। यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यू मीन्स तुम या आपके लिए यूज करते हैं, आर मीन्स है, एन मीन्स आई यूज योर, तो क्या आएगा, एन आएगा, आई इज अ वोवल, सो क्या आएगा, एन आएगा, यहाँ पे ये नहीं आएगा। इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आप एक होशियार छात्र है या फिर तुम एक होशियार छात्र हो। सो वी आर ईटिंग आइसक्रीम, वी मीन्स हम, आर मीन्स है, ईट ये क्या हो गया आपका मेन वर्ब हो गया, ईट मीन्स होता है खाना, आई एन जी लग गया तो ईटिंग, ईटिंग का मीन होता है खा रहा हूं खाना, ठीक है। आइसक्रीम, हम आइसक्रीम खा रहे हैं। The bottles are filled with water. बोतलें पानी से भरी हुई हैं। Filled, filled का means होता है भरे हुए होना। These shoes are new. ये जूते नए हैं। These, they are cooking food. वे खाना बना रहे हैं। So अभी आपने note किया होगा, यहाँ पर सभी चीजें plural हैं। We, हम, एक से ज्यादा है। Bottles, एक से ज्यादा है। These shoes, एक से ज्यादा है, वे एक से ज्यादा है। तो आर का यूज होता है प्लूरल साउंड, प्लूरल नाउन और प्रोनाउंस के साथ। तो आर इज ऑलवेज यूज्ड विद वी, यू, दे, दीज, दोज। किसके साथ होता है, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, दीज के साथ और दोज के साथ। एंड प्लूरल नाउंस, जो भी प्लूरल नाउंस है, जैसे अमन एंड सुरेश आर eating food, Aman and Suresh खाना खा रहे हैं। And teachers are teaching, तो अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो ये कैसे हो गए, सारे plural nouns हो गए,